रेमल आया कोहराम लाया। चक्रवाती तूफान रेमल ने पश्चिम बंगाल में दस्तक देने के साथ ही जबरदस्त कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। बीती रात पश्चिम बंगाल में भीषण चक्रवाती तूफान रेमल के टकराने के बाद लैंडफॉल होने लगा। कोलकाता के एटाली इलाके में तो एक शख्स को तूफानी लहरों ने नील लिया। बंगाल से बांग्लादेश तक भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए तो कई घरों की छतें उड़ गई। होर्डिंग और बिजली के खंभे भी गिर गए, जिससे आवाजाही में परेशानी हो रही है। जानकारी के मुताबिक इस समय 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में हवा चल रही है। ये रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। IMD ने चक्रवात रेमल को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सलाह दी गई है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। मौसम विभाग ने 28 मई तक लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। वहीं आपदा की हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही NDRF की 14 टीमें तैनात हैं। NDRF की टीम सड़क पर गिरे पेड़ों और खंभों को हटाने और आवाजाही कायम रखने में लगातार जुटी हुई है। एहतियात और तौर पर साउथ और नॉर्थ 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिले के तटीय जिलों से होकर जाने वाली सभी ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कोलकाता हवाई अड्डे से रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मिलाकर कुल 394 उड़ानों पर असर पड़ा है। हालांकि चक्रवात तूफान को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार बेहद गंभीर है। दोनों अपने अपने लेवल पर कुदरत के कहर से लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं।